कपड़े की सीधी सरल पट्टी से कोने वाले गले, जैसे कि चौकोर गला है, पंचकोणी गला है, ऐसे गलों का बहुत ही सुंदर तरीके से फिनिशिंग किया जा सकता है। इसकी बहुत ही खास ट्रिक वीडियो में बताई है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला पाटिल और क्रिएटिंग फैशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर ये ब्लाउज का बैक पैटर्न है और ये दिखने के अनुसार कटिंग किया है, जैसे कि शोल्डर 5.5 इंच और आर्महोल जो है वो 1.25 इंच रखा है। तो अब यहाँ पर शोल्डर कम रखते हैं हम डीप नेक में, तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई ना लेते हुए शोल्डर स्ट्रिप का आपको जितनी रखनी है उसमें कम से कम 0.75 इंच हम सिलाई का ऐड करके मार्किंग करते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो गले की चौड़ाई रहती है। अब वहां से मैंने तिरछे में पीछे के गले का नाप डाला है 10 इंच पर, आप अपनी मर्जी अनुसार ज्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये गले की चौड़ाई निकल के आई है 2.25 इंच, तो उतनी ही नीचे की तरफ रखनी है 2.25 इंच। अब ऊपर से नीचे सीधी लाइन खींचेगी, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेगी हमारी, ये लाइन हमने खींच दी। अब यहाँ पर क्या, ऊपर की तरफ जितनी भी नेक की चौड़ाई थी उतनी ही हमने नीचे की तरफ रखी है। गला कटिंग हो चुका, अब देखो हमें क्या करना है, तो हमें इसे इस तरफ मोड़ना है। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, इस कोने से इसको इस तरह से उठाकर मोड़ दिया और ये बिल्कुल सीधी लाइन में, एक लाइन में आना चाहिए। और यहाँ पर जो एक कॉर्नर क्रिएट होता है वहां पर हम नाखून से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये क्रीज तैयार हो जाए। अब जो भी फोल्ड वहां पर तैयार हुआ है वहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेम हमें इस वाले कॉर्नर पे भी करना है, तो यहाँ पर भी मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया और नाखून से थोड़ा सा प्रेस किया, तो यहाँ पर एक फोल्ड वाला मतलब जो भी हमने फोल्ड किया है वो एक निशान बन जाता है, तो वहां पर मैंने डार्क कर दिया। दोनों कोनों में हमारे इस तरह से 2 लाइंस बन चुके हैं। अब गले की फिनिशिंग के लिए हम सीधे कपड़े में कटे पट्टियाँ काटेंगे। उसके लिए मैंने ये दूसरे कलर का कपड़ा लिया है ताकि आपको क्लियर दिखे, लेकिन आप मैचिंग कलर का कपड़ा यूज कीजिएगा। अब ये पट्टियाँ सीधे कपड़े में कटी है और ये 2 इंच चौड़ी। अब इनको हम खोल देंगे और एक दूसरे को जोड़ लगाएंगे, तो यहां से मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। तो आपके अगर छोटा कपड़ा है या कम कपड़ा है तो आप इस तरह से जोड़ लगाकर पट्टियों को रेडी कर सकते हो। अब यह पट्टी रेडी है, अब बस इसके एक साइड से हम 1/4 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अब जैसे कि हमारे पास कपड़े के टुकड़े होते हैं तो उनको हम इस तरह से 2-2 इंच में कट करके इस पट्टी को रेडी कर सकते हैं। अब हमने ये गले का पैटर्न लिया है और उसके ऊपर हम इस पट्टी को रख देंगे और यहाँ से इसको जोड़ना शुरू करेंगे। अब बिना बुकरम के कम से कम कपड़े में हम गले का बहुत अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं इस ट्रिक से। अब इस कोने तक हम आ चुके हैं जहां पर हमने निशान बनाया था। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी, तो देखिए जो निशान हमने तिरछे में लगाया था बस उसी तिरछे में कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर सीधे में उंगली रखकर इसको पट्टी को पलट देना है, तो आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर इस तरह की ये प्लीट बन जाएगी और यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है जिस तरह से गले का शेप हो। बस ये छोटी सी ट्रिक थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब देखो सुई को मैंने अंदर की तरफ रखा है और कपड़े को घुमा दिया है क्योंकि हम कोने के ऊपर आ गए हैं और यहाँ से हम सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। अब हम आ गए हैं इस कोने की ओर, तो यहाँ पर भी हमने पहले से निशान बनाया है, बस उसी निशान के ऊपर कपड़े को इस तरह से तिरछे में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिर से उंगली रखेंगे सीधे में और पट्टी को पलट देंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्ट प्लीट हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी ये देखिए इस तरह से प्लीट बन गई है और यहाँ पर भी हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमारे गले का शेप है। अब सिलाई लगाते समय हम इस कोने में आ गए, सुई को अंदर की तरफ ही रखना है, कपड़े को घुमाना है और सिलाई को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना है। तो बस बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आई हो। अब ये हो गया, हो जाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे मैं कट कर दूंगी। और अब हमें एक काम करना है, ये जो 2 कोने हैं ये देखिए ये, तो इनके ऊपर हमें 2 छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो देखिए कट जो है वो सिलाई के ऊपर ना जाए, देखिए इस तरीके से, नहीं तो सिलाई वहां से उधड़ जाएगी अगर सिलाई के ऊपर कट जाता है। तो इस तरीके से मैंने 2 कोनों में 2 कट्स लगाए। अब पट्टी को अंदर की तरफ मोड़कर हल्का सा नाखून से प्रेस कीजिएगा
और यहाँ से हम एक प्रेस स्टिच लगाएंगे। तो प्रेस स्टिच, ये जो सिलाई मार्जिन है, सिलाई मार्जिन के ऊपर पट्टी आनी चाहिए और सिलाई भी पट्टी के ऊपर ही आनी चाहिए, ना कि गले के कपड़े की ओर, मतलब जो ब्लाउज का कपड़ा है उसके ऊपर सिलाई नहीं आएगी। अब देखो हम कोने में आ गए हैं, तो कोने में आते ही हमें कपड़े को पूरा सीधे में घुमाना है। इस तरह से था तो सीधे में घुमाया, और एकदम किनार से सिलाई लगानी है। याद रखिए, हमें जो ये प्रेस्टिच लगानी है, जो हम ये ऊपर से सिलाई लगा रहे हैं, वो एकदम किनारे से आनी चाहिए। तो इस कोने में भी मैंने कपड़े को घुमाकर बिल्कुल सीधा किया है और सिलाई एकदम किनारे से लगा रही हूँ। बस ध्यान रखना है कि सिलाई पट्टी के ऊपर आएगी। अब देखिए, पूरा हमने गले में प्रेस्टिच लगा दी है। प्रेस्टिच लगाने से ये जो पट्टी है, ये अंदर की तरफ बहुत ही सरल तरीके से फोल्ड हो जाती है। तो देखिए गले का फिनिशिंग कितना सुंदर आया है। ये देखिए, पूरा अच्छे से बैठ गया है गला। अब इसको मैं उल्टी साइड में लेके दिखाती हूँ, तो देखिए पट्टी इस और भी बहुत ही सुंदर लगती है। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ से हाथ से तुरपाई करना है, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी और बस गला रेडी हो गया है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है। अब हम देखेंगे पंचकोनी नेक। ये गला हम कुर्ती के पैटर्न में आगे की ओर बनाने जा रहे हैं, जिसका पीछे का नेक 2 से 3 इंच तक है। अब इसका जो गले की चौड़ाई है वो मैंने रखी है 3 इंच, और आगे का गला मैंने रखा है 7.5 इंच। अब ऊपर की तरफ जितनी गले की चौड़ाई है उतना ही मार्किंग नीचे की तरफ किया है 3 इंच, और ये सीधी लाइन ऊपर की तरफ बना दी। अब जो सीधी लाइन बनाई है उसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे और वहां पर मार्क करेंगे। अब उसी सेंटर पॉइंट के मार्क के नीचे 1 इंच लेंगे। अब इसी पॉइंट के बाहर की तरफ आधा इंच पर और एक मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए आप इसी तरह से मार्क कीजिएगा। अब इसी पॉइंट को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ लाइन बनानी है, लेकिन गले को यहाँ पर 1/4 इंच यानी 1/5 इंच अंदर की तरफ रखना है, और यहां से हम इसी नीचे के पॉइंट की तरफ एक तिरछी लाइन बना देंगे। अब यहां से यहां तक तिरछी लाइन बना देंगे, और ये हो गया हमारा पंचकोणी नेक का शेप, बहुत सुंदर लगता है। अब इसे हमने जैसा मार्किंग किया है बिल्कुल उसी के ऊपर से कटिंग करना है। अब इसे हम बनाने जा रहे हैं बिना बुकरम के, तो उसके लिए हमने एक खास ट्रिक यूज की है। तो सबसे पहले गले को मैंने खोल कर लिया। अब यहाँ पर हमें मार्किंग करने हैं, जो कोने आपको दिख रहे हैं ना, उसी कोनों के ऊपर हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और थोड़ा सा नाखून से प्रेस करना है। अब यहाँ पर ये क्रीज बन गई, इसी के ऊपर से हम चॉक से मार्किंग करेंगे। सेम तरीके से बचे हुए दोनों कोनों को भी करना है। तो सबसे पहले ये साइड वाला कोना करेंगे, इसे भी मैंने सेम तरीके से फोल्ड किया है और यहाँ से नाखून से प्रेस करके एक निशान बना दिया, सेम यहाँ नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ फोल्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर सीधी लाइन बनानी है इस तरीके से। तो ये 3 कोने हमारे बन चुके हैं। अब इसका फिनिशिंग करने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी है, और ये पट्टियां बिल्कुल सीधे कपड़े में काटनी है, इसीलिए इसको कपड़ा बहुत कम लगता है। अगर आपके पास कोई फ्यूजिंग पेपर या बकरम नहीं है, तो इस तरह से कपड़े में से सीधी पट्टियां काटकर बहुत आसानी से हम गले का फिनिशिंग कर सकते हैं। अब देखो, पट्टियों को जोड़ लेने के बाद जो जोड़ होता है वो बीच में चीर लेंगे, और फिर पट्टी को एक साइड से अंदर की तरफ मोड़ते हुए पूरे पट्टी में सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टी हमारी रेडी है। अब यहाँ पर मैंने गला ले लिया है, और गले की सीधी साइड में हमें पट्टी को जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ तक हम इसको सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सीधे कपड़े की पट्टी है। यहाँ तक हम आ गए हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक हमें आजमानी है। देखिए, ये जो लाइन दिख रही है हमने खींची थी, उस लाइन के ऊपर मैंने उंगली को रख दिया है और पट्टी को आगे की तरफ घुमा दिया। अब इस तरह से एकदम सीधे में घुमाने से यहाँ पर एक छोटी सी प्लीट बन जाती है। ये देखिए, इस प्लीट को एक दूसरी उंगली से दबाना है और यहां से हमें सिलाई को कंटिन्यू करना है। अब ये जो सिलाई हम कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल कोने की तरफ लेके आएंगे, देखिए यहाँ तक, और यहां से आगे की तरफ लेके जाएंगे बिल्कुल नेक की शेप की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा कोना है, तो बिल्कुल कोने के ऊपर अगर हम सुई को लेके आते हैं तो हमारा गला एकदम नीट और क्लीन लगता है। तो सुई को मैं बिल्कुल कोने के ऊपर रख रही हूँ, सुई अंदर की तरफ ही है, बस मैंने कपड़े को घुमाया है। और देखिए, यहां से मैं सिलाई को फिर से कंटिन्यू करूंगी, ये नीचे के लाइन तक।
अब यहां पर हमारे गले की ये नीचे वाली लाइन है, तो यहां पर भी सेम ट्रिक हमें यूज करनी है। देखिए ये जो लाइन है उसी लाइन के ऊपर हमें उंगली को रखना है, लेकिन उंगली के नीचे हमारी पट्टी आनी चाहिए, और पट्टी को मैंने ऊपर की तरफ गले की शेप अनुसार घुमाया। यहाँ पर एक बराबर सी छोटी सी प्लीट तैयार हो जाती है, उस प्लीट को दबाना है और सेम तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई को कंटिन्यू करना है। ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर लाइन है यानी कोना है, तो हमें यहाँ से इसको घुमाना है सिलाई को, यहाँ से ये सिलाई आ रही है। तो सिलाई को लेके आते हैं यहाँ सेंटर लाइन तक, सुई को अंदर की तरफ ही रखाया है, नॉब को उठाया है और कपड़े को घुमाया है। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगी। अब आ गया है हमारा तीसरा कोना, क्योंकि हमने तीन कोने में मार्क किया था, यही उसकी लाइन। ये देखिए अब देखो सेम तरीके से हमें करना है। इस लाइन को पकड़ते हुए हम उस पट्टी के ऊपर उंगली रखेंगे, पट्टी को आगे की तरफ घुमाएंगे, जो भी हमारा शेप है गले का उसके अनुसार इस तरीके से। यहाँ पर अपने आप एक छोटी सी प्लीट तैयार हो गई है, बस उस प्लीट को पकड़ना है और किसी एक साइड में दबा कर लेना है, और सिलाई को यहाँ पर भी हमें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर ये कोना है, तो यहाँ से सिलाई आ रही है और इस ओर जाएगी, तो बिल्कुल हम गले के शेप के अनुसार ही इसको सिलाई लगाएंगे। अब देखो सुई को अंदर की तरफ ही रखना है और सिर्फ नॉक को उठाकर कपड़े को घुमाना है, अब सिलाई आगे की तरफ जाएगी। तो ये हो गई हमारी यहाँ तक पूरी सिलाई। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा की पट्टी को कट कर दिया। अब देखो ये जो कोने हैं इन कोनों में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस तरीके से, बस ध्यान रखना है कि हमारा कट सिलाई के ऊपर ना जाए, मतलब सिलाई कट ना हो। तो ये तीन कोनों में ही हमें सिर्फ कट्स लगाने हैं इस तरीके से। तो कट्स हमारे लग चुके हैं, अब ये पट्टी पलटने के लिए तैयार है, मतलब अंदर की साइड में डालने के लिए, लेकिन अभी भी एक प्रोसेस बाकी है। तो क्या करना है देखो, इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके लेना है और यहाँ पर हमें एकदम किनारे से सिलाई लगानी है, और सिलाई बिल्कुल पट्टी के किनारे से आएगी, ना कि हमारे गले के ऊपर आएगी। तो जो पट्टी है हमारी उसी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने गले को पूरी तरह से सीधा कर लेना है। जब हम कोने के ऊपर आते हैं तो बिल्कुल ये देखिए ये कोने के ऊपर आ गए, तो पट्टी को मैंने बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरीके से, यानी पूरा गला हमारा सीधे में रहेगा सिलाई लगाते समय, और सिलाई एकदम किनारे से। तो देखिए मैं जैसा जैसा कोना आता है वैसे वैसे मैं पूरा गला सीधा करके लेती हूँ और सिलाई लगा रही हूँ। तो पूरे गले में सिलाई लग चुकी, अब बड़े आसानी से ये अंदर की तरफ चली जाती है। ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है इसे हम प्रेस स्टिच कहते हैं, जो कि पट्टी को अच्छी तरह से दबाती है और अंदर की तरफ ये बिना दिक्कत चली जाती है। तो ये देखिए पट्टी पूरी अंदर की तरफ चली गई है और पूरा गला हमारा बहुत सुंदर तरीके से उभर कर आया है। अब मैंने इसको उल्टी साइड में लिया है, उल्टी साइड में भी आप देखोगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग इसका नजर आता है। अब देखो ये पट्टी जो है हमने उल्टी साइड में डाली है, तो आप इसको सीधी साइड में सिलाई भी लगा सकते हो किनारे से, या फिर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये गला हमारा पूरी तरह से रेडी है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सुंदर लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, कोई डाउट है तो नीचे जरूर पूछना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।